औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के विषय सैद्धांतिक के पाठ्यचर्य में अंकित साइबर सुरक्षा पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली जितनी भी हमारी नेटवर्किंग में डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो हमारा नेटवर्क चाहे वायरलेस हो या वायर हो, या जितनी भी डिवाइसेस हैं मोबाइल डेस्कटॉप, इन सब को साइबर अटैक से बचाने की एक प्रक्रिया होती है। साइबर अटैक्स बेसिकली इसलिए होते हैं जिससे जितना भी हमारा डेटा है, चाहे वो नेटवर्क में ट्रेवल कर रहा हो या हमारे सिस्टम पर स्टोर हो, उसको अनऑथराइज तरीके से एक्सेस किया जाए, उस डेटा में कुछ चेंजेस किए जाएं, उस पर अटैक किए जाएं और उस इंफॉर्मेशन को बदल दिया जाए, जिससे कि जो भी हमारा यूजुअल बिजनेस हो रहे हैं, जो यूजुअल डेटा का काम हो रहा है या जो सेंसिटिव डेटा है वो कि एक्सपोज हो जाए और हम अपने काम को बहुत ही आसानी तरीके से ना कर सकें। तो साइबर सिक्योरिटी में हम जितने भी इस तरीके के अटैक्स होते हैं, इन सबको बचाने का काम करते हैं और इसके लिए हम तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, चाहे वो पासवर्ड प्रोटेक्शन से हो, चाहे आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना हो या हमको क्लाउड पे डेटा को स्टोर करना हो, जिससे कि हम अपने डेटा को जो अनवांटेड एक्सेसर हैं या जो अनऑथराइज्ड एक्सेसर हैं, जो कि जिन्हें राइट नहीं है अपने डेटा को, मेरे डेटा को एक्सेस करने का, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कैसे करते हैं? वो हमारे नेटवर्क पे अटैक करते हैं, हमारे कंप्यूटर को या डिवाइस को हैक करने का प्रयास करते हैं। उन सारी प्रयासों को विफल कर दिया जाए जिससे कि हमारा डेटा सेफ रहे और सिक्योर रहे। एडवांटेजेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बेसिकली फायदे क्या होते हैं? यह बेसिकली यूजर को एक गोपनीयता प्रोवाइड करता है, मतलब जो भी यूजर का डेटा है, यूजर का वो डेटा कोई भी आदमी ऐसा नहीं एक्सेस कर सकता है जो कि उस डेटा को एक्सेस करने के काबिल ना हो। ये आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए जैसे हम आईडी पासवर्ड यूज करते हैं अपने मोबाइल में चाहे कंप्यूटर में, कि वो आईडी पासवर्ड हमें ही पता रहेगा, इसलिए हम ही अपने डेटा को देख सकते हैं। या जैसे हम ईमेल बनाते हैं तो वहां पर हमें आईडी पासवर्ड देना पड़ता है। हमारी ईमेल आईडी पे बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं, उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिर्फ हम ही एक्सेस कर सकते हैं या वो कोई एक्सेस कर सकता है जिसके पास ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड होगा। इस तरीके से हम यूजर को प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए हम रेटिना का इस्तेमाल करते हैं, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ओटीपी का इस्तेमाल करते हैं। बायोमेट्रिक में जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, रेटिना हो गया, इससे यूजर का डेटा सिक्योर रहता है। सिर्फ वही लोग उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जिसको उस डेटा को एक्सेस करने का राइट होता है, बाकी लोग उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम हैकिंग, हमारे कंप्यूटर्स को ये हैक होने से बचाता है। हैकिंग क्या होती है? हैकिंग बेसिकली हमारे कंप्यूटर पर एक तरीके का अटैक होता है जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर को फिर कोई और ऑपरेट करता है, हम नहीं कर पाते हैं अपने कंप्यूटर को ऑपरेट। जैसे रैनसमवेयर होता है कि कंप्यूटर को हैक करके अब उसका एक्सेस कंट्रोल बदल देते हैं, यूजर अटैकर्स उसका एक्सेस कंट्रोल बदल देते हैं, तो हमें वापस अपने कंप्यूटर का एक्सेस लेने के लिए उन्हें एक फिरौती की रकम देनी होती है। मगर इसकी ये कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है कि जब भी हम वो पैसा पे कर देते हैं तो हमारी सर्वर कंप्यूटर हमें पूरी तरह से रिकवर हो सकता है और हमारी जितनी भी फाइलें थी वो फाइलों में चेंजेस नहीं किए गए हैं, वो एज इट इज है और उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं किया गया है। तो साइबर सिक्योरिटी की मदद से हम अपने कंप्यूटर को हैक होने से बचाते हैं। प्रोटेक्ट द सिस्टम, अपने जितने भी सिस्टम्स हैं उनको वायरसेस से बचाता है, वॉर्म से बचाता है, स्पाईवेयर से बचाता है। वायरस बेसिकली क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि अनवांटेड तरीके से, अनचाहे तरीके से, बगैर यूजर को बताए हुए से कंप्यूटर में एंट्री कर जाता है। ये बेसिकली नेटवर्क की मदद से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फैलते हैं, चाहे वो ईमेल के थ्रू आए, चाहे पेन ड्राइव के थ्रू आए या और किसी माध्यम से नेटवर्क की मदद से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाए। वायरस में क्या होता है कि ये जब आपके कंप्यूटर पे आ जाते हैं तब ये कई तरीके के होते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो अपनी सेल्फ रिप्लिका बनाते रहते हैं, मतलब अपनी कॉपी खुद ही जनरेट करते हैं और
जो भी आपके फाइलें पहले से कंप्यूटर पे पड़ी रहती हैं उनको वो अल्टर कर देते हैं या उनको चेंज कर देते हैं, जिससे उनके काम करने का तरीका बदल जाता है और वो अपनी जिस तरीके से उन फाइलों को काम करना चाहिए उस तरीके से फाइलें काम नहीं करती और आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। वॉर्म्स, वॉर्म्स भी बेसिकली एक तरीके के कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि नेटवर्क की मदद से आपके कंप्यूटर में एंट्री करते हैं और ये अपनी रिप्लिका बनाते रहते हैं। वॉर्म्स और वायरस में एक अंतर होता है कि वायरस को स्टार्ट होने के लिए एक ट्रिगर पॉइंट की जरूरत होती है जो कि अनवांटेड तरीके से या अनइंटेंशनली जो भी इस कंप्यूटर को यूज कर रहा होता है वो कर देता है। जैसे किसी फाइल में या किसी फोल्डर में वायरसेस हैं और हमने गलती से उस फाइल या फोल्डर को क्लिक कर दिया, जिससे अब वायरस अपना काम स्टार्ट कर देता है, वो अपनी सेल्फ रिप्लिका बनाने लगता है, जो भी आपका कंटेंट होगा आपके कंप्यूटर में उन सारी फाइलों को चेंजेस करने लगता है। तो ये वायरसेस का काम होता है। वॉर्म्स को स्टार्ट करने के लिए किसी ट्रिगर पॉइंट की जरूरत नहीं होती है, ये जैसे ही आपके कंप्यूटर में आते हैं ये अपनी सेल्फ रिप्लिका बनाने लगते हैं, ये अपनी फाइलें बनाने लगते हैं, आपकी जो फाइलें बनी उनमें चेंजेस करने लगते हैं। इसके लिए यूजर की कोई भी एक्टिविटीज इनको नहीं चाहिए होती हैं। और वायरसेस ऐसे ऐसे भी होते हैं जो एक एक्सप्लिसिटली मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे फटते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम आ जाने के बाद से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, बट वॉर्म्स के साथ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं ये बेसिकली जासूसी के लिए होते हैं। जैसे कोई भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से या नेटवर्क की मदद से आ जाता है और वो बगैर बताए आपको वो धीरे धीरे आपकी जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उन सबको एक्सेस करता रहता है, जितनी भी सेंसिटिव फाइल्स हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन को गैदर करता रहता है और उस पूरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद में वो उस इंफॉर्मेशन को बाहर या जिसने भी उस इंफॉर्मेशन को जिसने भी उस स्पाइवेयर को बनाया था उसको भेजता रहता है। इससे जितनी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, वो एक्सपोज हो जाती है। तो इन सब से बचाने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी की मदद करते हैं, साइबर सिक्योरिटी से का इस्तेमाल करते हैं। इससे बेसिकली क्योंकि इंफॉर्मेशन आज के समय में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती है, उसकी बहुत कीमत होती है और हमें इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा करनी होती है, क्योंकि अगर हमारी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहे वो हमारा बैंक की कोई डिटेल हो अगर किसी को मिल जाती है तो उससे फ्रॉड करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि आज के समय में बैंक में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, वो सब इसीलिए होते हैं क्योंकि साइबर अटैक्स होते हैं और उन अटैक्स को रोकने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगला टॉपिक है हमारा सूचना सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांत क्या होते हैं। पहला सिद्धांत होता है कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता। ये बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं जिसकी मदद से हमारा पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस होता है, यह पूरी पूरी इंफॉर्मेशन एक्सेस करी जाती है। इससे ये सिक्योर होता है कि उस इंफॉर्मेशन को वही लोग एक्सेस कर रहे हैं या उस जानकारी को सिर्फ वही लोग देख पा रहे हैं जिनको देखने का जिनको उस जानकारी को देखने का राइट है। कोई भी वो आदमी जिसको वो जानकारी को नहीं देखना चाहिए वो अनइंटेंशनली चाहे इंटेंशनली उस जानकारी को नहीं देख पा रहा है। इससे क्या होता है कि हमारी जानकारी कॉन्फिडेंशियल रहती है, सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में शेयर होती है जिनके बीच में उसको होना चाहिए और उसको उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए जितने भी अटैक्स होते हैं जितने भी तरीके अपनाए जाते हैं वो कोई भी अटैक या कोई भी तरीका सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी टूट गई तो वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है और वो इंफॉर्मेशन एक्सपोज हो जाती है। इंटीग्रिटी सॉरी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, कॉन्फिडेंशियलिटी को डेटा को करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, जैसे हमने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर दिया, जैसे हम बैंक में देखते हैं कि हर वक्त बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन वो लोग करते हैं जो कि बैंक के एम्प्लॉय होते हैं, जिससे ये सिक्योर होता है कि उस इंफॉर्मेशन को में चेंज उन्होंने ही देखा, उसमें चेंजेस उन्होंने ही किया है जो लोग उसको करने के का जिनको राइट है, या हमारे मोबाइल पे जो ओटीपी आता है उस ओटीपी से करने से ओटीपी आने का ये मतलब होता है कि हाँ
हमने ही उस इनिशिए उस जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है या जो भी प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को हमने ही इनिशिएट किया है। इससे हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है। दूसरा होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यह एश्योर करती है कि हमारा डेटा जो भी है वो मॉडिफाई नहीं किया गया है किसी गलत आदमी के द्वारा। हमारा पूरा डेटा एक्यूरेट है, अप टू डेट है और भरोसेमंद है। इसमें क्योंकि इंटीग्रिटी की मदद से ये एश्योरेंस मिलता है कि हमारे डेटा को किसी और ने चेंजेस नहीं किए हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें अपने डेटा की बेसिकली अलग अलग जगह पर कॉपीज बनानी पड़ती है, जिसे हम वर्जन्स बोलते हैं। अगर कोई डेटा को चेंजेस कर भी देता है तो हम अपने डेटा को रिस्टोर कर सके, अपने डेटा को पुराना ओरिजिनल या असली डेटा को प्राप्त कर सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, उसको अलग अलग जगह पर स्टोर करते हैं, उनके वर्जन्स बनाते हैं, और किसी भी फाइल को खोलने के लिए हम आईडी का इस्तेमाल करते हैं या पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जिसके पास आईडी या पासवर्ड नहीं होगा वो उस डेटा को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में बेसिकली ये होता है कि जो भी ऑथराइज यूजर है या वो किसी भी इंफॉर्मेशन को कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, उसको वो इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल रहेगी उसको। और जो अनऑथराइज यूजर है उसको वो इंफॉर्मेशन कभी भी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। इससे क्या होता है कि अब डेटा की अवेलेबिलिटी से जो ऑथराइज यूजर है, अगर उसको हर वक्त उस जानकारी प्राप्त रहेगी, तो उसको जब भी उस जानकारी की जरूरत होगी वो उस जानकारी को एक्सेस करके जो भी उसको काम करना है वो अपने डिसीजन मेकिंग आसानी से कर सकता है। ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी बेसिकली ये इंश्योर करता है कि जितना भी डेटा ट्रांजेक्शन हुआ है या कम्युनिकेशन हुआ है वो सब असली है। मतलब हमने जिससे बात करना चाह रहे हैं हम उसी से बात कर रहे हैं, ये होता है ऑथेंटिसिटी। हमने अगर किसी एक को मैसेज भेजा है तो वो मैसेज उसी को जाना चाहिए। अगर राम ने श्याम को मैसेज भेजा तो वो मैसेज श्याम को ही रिसीव होना चाहिए और वो मैसेज राम के द्वारा ही भेजा जाना चाहिए। वो मैसेज किसी तीसरे के पास ना जाना चाहिए और ना ही तीसरे के से मैसेज को आना चाहिए। ये हमारा ऑथेंटिसिटी स्टोर करता है। सिक्योरिटी थ्रेट्स मतलब जितनी हमारी सुरक्षा के क्या क्या खतरे होते हैं। हाँ, बेसिकली हमारी सुरक्षा पे अटैक इसलिए होते हैं कि जो भी हमारा डेटा है, चाहे वो हमारे कहीं स्टोर हो या हमारा डेटा ट्रेवल कर रहा हो नेटवर्क की मदद से, उसको हैक किया जाए, उसमें कुछ चेंजेस लाए जाएं, जिससे कि जो हमारा बिजनेस है वो एज यूजुअल ना चले और हमारी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको एक्सेस करके हमें कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया जा सके। तो कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो किसी खतरे से जुड़े हुए होते हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। पहला टर्म होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब अनाधिकारिक उपयोग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी वो यूजर उस जानकारी को एक्सेस नहीं कर सकता है जिसको वो जानकारी को देखने का कोई भी राइट नहीं होना चाहिए। अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम अपने कंप्यूटर पे लगाते हैं। हम बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा हाथ का फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं या आंखों का रेटिना लिया जाता है, या हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, या अगर हम नेटवर्क में किसी से कनेक्ट हो रहे हैं तो एक शेयर्ड पिन जो दोनों के पास हो। इससे क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को कोई भी अनऑथराइज आदमी एक्सेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब हमारी चोरी, हमारी जो पहचान है उसकी कोई चोरी कर ले। इससे क्या तात्पर्य है कि हमने अपना काम नहीं किया है मगर वो किसी के पास मेरा आईडी पासवर्ड या मेरी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उसके पास है, जिसका इस्तेमाल करके वो कोई भी क्राइम को कमिट कर सकता है। जैसे थोड़ी देर के लिए किसी के पास मेरी बैंक की डिटेल्स है जिसकी मदद से वो कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, मेरे अकाउंट से सारा पैसा को निकाल सकता है, या मेरे कंप्यूटर का आईडी और पासवर्ड उसके पास है तो जब उसने आईडी और पासवर्ड मेरा डाल दिया तो कंप्यूटर को यही लगेगा कि मैंने लॉगिन किया है, और उस लॉगिन करने के बाद वो किसी भी इंफॉर्मेशन में चेंजेस कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन किसी को भी भेज सकता है, जिससे कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को खतरा हो सकता है।
दूसरा है इनसाइडर, मतलब अंदरूनी। इसमें क्या होता है कि कोई भी इम्प्लॉई ये जो एक गलत इरादे से किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरी करता है, वो उस चोरी से मतलब है कि उस इंफॉर्मेशन को, पहली बात तो उसको राइट ही नहीं है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का। उसने एक्सेस किया, उस इंफॉर्मेशन को वो बाहर भेज दिया, जिससे कि क्या हुआ कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो कंपनी की लीक हो गई, जिससे कि क्या हुआ कंपनी को काफी नुकसान हुआ, कंपनी की जितनी भी सेंसिटिव जानकारी थी वो सब बाहर चली गई। तो जो ये तरीके के फ्रॉड होते हैं उनको हम इंसाइडर बोलते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट में इंसाइडर ट्रेडिंग बैंड है, मतलब कि कंपनी का जो पॉलिसी मेकिंग लोग हैं, जिन लोगों के पास सारी जानकारी है, वो किसी भी ऐसी जानकारी को पब्लिक में नहीं आउट कर सकते हैं जिससे कंपनी को कोई भी फायदा या नुकसान हो। डेटा लीकेज से मतलब है कि हमारी जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसका लॉस हो जाना, वो या उसकी चोरी हो जाना। वो ये लॉस ये चोरी गलती से भी हो सकती है और जानबूझकर भी करी जा सकती है। गलती से मतलब ये है कि हमने गलती से अपनी किसी वेबसाइट किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गलती से पोस्ट कर दिया या किसी को गलती से बता दिया, और एक्सीडेंटल मतलब इंटेंशनल मतलब कि हमने जानबूझ के कुछ ऐसा किया, लेकिन इससे हमारा हुआ क्या, दोनों केसेस में हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो तो लीक हो गई। इसी को हम डेटा लीकेज बोलते हैं। स्पैम, स्पैम में बेसिकली क्या होता है, जब बल्क में मेल्स सभी को भेजा जाता है जितने भी यूजर्स होते हैं, और ये किसी एक आदमी की तरफ से या किसी से भेजा जाता है, और इनका मकसद बेसिकली कॉमर्शियल गेन होता है। इसके थ्रू मालवेयर आपके कंप्यूटर में एंटर करते हैं, वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, और एक्सेस करने के बाद में जिसने भी उस इंफॉर्मेशन को भेजा है या जिसने भी उस मेल को भेजा है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाती है, जिससे हमारी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन या पर्सनल इंफॉर्मेशन जी है वो एक्सपोज हो जाती है, और हमें उसका उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि गाइडलाइंस फॉर मिटिगेशन ऑफ थ्रेट, जो भी हमारे खतरे हैं उनको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज है कि हमारे सुरक्षा का प्रशिक्षण होना चाहिए, मतलब जो भी हमारा सिक्योरिटी नेटवर्क की सिक्योरिटी देख रहे हैं लोग, उनका बाद का समय समय पर प्रशिक्षण होना चाहिए। नए तरीके जो भी आ रहे हैं जिनके थ्रू हम नेटवर्क की और अपने डिवाइसेस का सिक्योरिटी करते हैं, उनके बारे में उनको अपडेट करना चाहिए। इसके लिए उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नया टेक्नोलॉजी क्या आई है, नया कोई सॉफ्टवेयर आया है कि जो कि आपके डेटा को प्राइवेसी दे रहा है, तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है। इन सारी चीज़ों की उन एम्प्लॉयज़ को या जो लोग इस चीज़ों को नेटवर्क की या डेटा की सिक्योरिटी को हैंडल करते हैं, इसके बारे में उनको अपडेट करना चाहिए। दूसरा है, जो भी कर्मचारी देख रहा है नेटवर्क को, वो बेसिकली जो भी अटैक हो रहे हैं उनको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा अटैक फिशिंग का है, कौन सा अटैक स्पूफिंग का है। पहले जानते हैं कि फिशिंग अटैक होता क्या है। ये बेसिकली एक तरीके का साइबर अटैक होता है, जिसमें जो भी अटैकर है, जिसने भी हमला किया है, वो ये दावा करता है या ये बताने की कोशिश करता है कि वो एक रेपुटेड कंपनी से है या एक प्रतिष्ठित संस्थान से आया है, जिससे और वो फिर इसके मदद से फिर वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए हमारे जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ओटीपी मैसेज आता है, और फिशिंग के लिए हमको कोई अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसका इस्तेमाल बेसिकली सीक्रेट इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, फ्रॉड तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, और इसमें का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि किसी तरीके से हमको कोई भी इंफॉर्मेशन की प्राप्ति हो जाए। स्पूफिंग अटैक में क्या होता है कि स्पूफिंग अटैक में जो भी अटैकर होता है वो किसी दूसरे की आइडेंटिटी को चोरी करके या किसी अन्य आदमी के किसी चोरी करके या किसी अन्य आदमी का आईडी पासवर्ड को प्राप्त करके वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का प्रयास करता है। इसके लिए वो अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकता है। इसका बेसिकली इस्तेमाल ही इसीलिए मतलब ये अटैक ही इसलिए होता है कि हमें
जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त हो जाए। इसका बेसिकली यूजर को एक नई आईडी प्राप्त हो जाती है। वो आईडी क्या होती है, जैसे कि उसने किसी की आईडी को कैप्चर कर लिया, अब वो उसी आईडी को जो उसने कैप्चर कर, वो उससे लॉगिन जब तक चाहे तब तक, या जब तक वो अटैक पता ना चले तब तक वो उस लॉगिन से उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। ये आपका स्पूफिंग अटैक होता है। इसके लिए अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जाता है, और एग्जाम्पल के तौर पर हैकर क्या करते हैं, आईपी एड्रेस चेंज कर देते हैं वेबसाइट का, जिससे ये ना पता चले कि हैकर को ट्रेस नहीं किया जा सकते कि अटैक किसने किया, ये चीजें ना पता चले। डेटा इनक्रिप्शन बेसिकली एक तरीके का सुरक्षा प्रोवाइड करने का एक माध्यम होता है, जिसकी मदद से हम डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं जब डेटा नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, डेटा को ओरिजिनल फॉर्म में ना रखकर उसके फॉर्म को चेंज करते हैं, और उस चेंज फॉर्मेट में डेटा ट्रेवल करता है, और जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तब वो फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। इसके लिए हमारा जब डेटा को चेंज करते हैं उसको बेसिको हम इनकोडिंग बोलते हैं, और इनकोडेड डेटा को बेसिकली साइफर टेक्स्ट कहा जाता है। और जो डेटा जब इनकोड नहीं होता है, मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, तब उसको हम अनइनक्रिप्टेड डेटा या प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। इससे क्या होता है कि अगर इनक्रिप्टेड डेटा किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के पास पहुंच भी जाता है तब भी वो उसको रीड नहीं कर पाता है कि ओरिजिनल मैसेज या डेटा क्या है। इससे हमारे डेटा की प्राइवेसी बची रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम टॉफी खाते हैं, तो टॉफी किस कलर की है ये हम नहीं बता सकते हैं, वो वही बता सकता है जिसने उस टॉफी को पैक किया हो, और वह बता सकता है जो उस टॉफी को खाने वाला हो, और बीच में जितने भी लोगों ने उस टॉफी को टच किया है या जितने लोगों के बीच से वो टॉफी गई है, वो सिर्फ उसके रैपर का कलर बता सकते हैं। इस तरीके से हम डेटा को इनक्रिप्शन की मदद से डेटा को सिक्योर करते हैं। इनक्रिप्शन दो तरीके का होता है, एक होता है एसिमेट्रिक या पब्लिक की जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। इसमें की मदद से हम डेटा का इंक्रिप्शन करते हैं, और डिक्रिप्शन के लिए हम फिर एक की को इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली दो तरीके की कीज का इस्तेमाल किया था, एक होता है पब्लिक की, एक होता है प्राइवेट की। प्राइवेट की से हमारा इंक्रिप्शन किया जाता है, और पब्लिक की से हमारा डिक्रिप्शन किया जाता है। अब है पैचिंग। पैचिंग बेसिकली क्या होता है, किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर का जब छोटा सा कोई फ्लॉ आता है, कोई फ्लो आता है, कोई गड़बड़ी उसमें मिलती है जिससे कि उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच होती है, तो हमें उस ब्रीच को खत्म करने के लिए हम एक छोटा सा पैच या एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो कि उस प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। यह इस्तेमाल तब होता है जब किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तब अगर उसमें कोई भी हमें फ्लॉ मिलता है, कि जो कि वो फ्लॉ कोई भी हो सकता है, हो सकता है कि कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग को तेज करने के लिए हो, या उसमें कोई किसी तरीके का कोई एरर है या कोई बग है उसको रिमूव करने के लिए हो, या अगर कोई उसमें कोई सिक्योरिटी का एक थ्रेट है जहां से सिक्योरिटी के लिए कोई एक लूप होल है जहां से आसानी से थ्रेट बन सकती है, अगर उसको खत्म करना हो तब भी हम पैचिंग का इस्तेमाल करते हैं। पैचिंग जब हमारा पैच बेसिकली क्या हो, कैसे मिलता है, बैच के लिए हमें जब भी पैच आता है तब हमें वेबसाइट से नोटिफिकेशन आता है या ऐप से नोटिफिकेशन आता है, और हम जब उस पैच को इंस्टॉल करते हैं पहले डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने के बाद उस पैच को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के बाद में फिर वो पैच ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पर ही काम करने लगता है, जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं होते हैं उसी पर ही पैच काम करने लगता है, और पैच को रिलीज करने से पहले उसकी टेस्टिंग करी जाती है, कि उस टेस्टिंग में ये किया जाता है कि हमारा पैच इंस्टॉल होने के बाद में कोई नया इशू तो नहीं आएगा या कोई नया खतरा सुरक्षा के लिए तो नहीं बन जाएगा। ये सारी चीजें टेस्ट करने के बाद में ही पैच को रिलीज किया जाता है। सुरक्षा की कमजोरियों को समझना कि सुरक्षा में क्या-क्या कमियां होती हैं। पहला है कि
जब हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी रूल डिजाइन हो रहे हैं, तो उसकी डिजाइनिंग में तो कोई इशू नहीं है, या वो डिजाइनिंग में क्या-क्या दोष हो सकते हैं जिसकी मदद से कोई भी अटैक किया जा सकता है, और जिससे अटैक से बहुत ही आसानी से हमारी किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। इसके लिए हम जब भी उस सॉफ्टवेयर की डिजाइन बनाते हैं, तो वो इस तरीके से बनाते हैं कि सब कुछ मॉड्यूल वाइज बटा हुआ हो, जिससे कि इंटरेक्शन एक एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल से इंटरेक्शन काफी कम हो, और जितना भी डेटा का ट्रांसफर होना है वो सब बहुत ही सिक्योर तरीके से हो, जिससे हमारा अटैक अगर होता भी है तब भी हमारा का डेटा का स्टोरी डेटा को सेफ्टी बनी रहे। वीकनेस इन हाउ प्रोटोकॉल्स एंड सॉफ्टवेयर आर इम्प्लीमेंटेड, किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर या जो प्रोटोकॉल है वो बनाए जा रहे हैं या कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि डिजाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने डिजाइन में कि डिजाइन की वजह से तो कोई अटैक नहीं हो सकता है। जब हमने डिजाइन के जितने भी इशू थे उनको खत्म कर लिए, तब आता है कि जब हम उस कोड सॉफ्टवेयर का कोडिंग कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को जब हम बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने जो स्टैंडर्ड तरीके हैं जिसकी जिससे हम अच्छी सुविधा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, हमने उनको इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर हमने नहीं किया है तो हमें उनको इस्तेमाल करना चाहिए, और अच्छे से हम उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो भी कमजोरियां हैं वो कम से कम हो सकें। वीकनेस इन सिस्टम एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, कि हमारा कंप्यूटर में क्या क्या कमजोरियां हैं और हमारे नेटवर्क में क्या क्या कमजोरियां हैं। सिस्टम की कमजोरियों की बात करें तो हमारा सिस्टम अप टू डेट है कि नहीं है, उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल है कि नहीं है, और नेटवर्क में हमारा नेटवर्क में जितना भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम नेटवर्क को मॉनिटर करते रहें जिससे कि जब भी कोई अटैक या लगे कि कोई अटैक कर रहा है, हम उस अटैक को नलीफाई कर सकें, हम उस अटैक को रोक सकें, जिससे कि हमारा सिक्योरिटी डेटा की सिक्योरिटी बनी रहे। सिक्योरिटी होल्स इन ब्राउजर वेब एप्लीकेशन स्मार्टफोन, ब्राउजर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई लूप होल नहीं होना चाहिए। वेब एप्लीकेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे मोबाइल पे जो ऐप आते हैं उनको, और जो स्मार्टफोन में होता है कि हम सारा का सारा काम स्मार्टफोन या मोबाइल पे करते हैं, उसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा कंप्यूटर कोड नहीं होना चाहिए जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा हो बगैर आपकी जानकारी के, और उसको वो फिर एक्सेस करने के बाद में उसका गलत इस्तेमाल ना उठा रहा हो। शिक्षण का सारांश, आज हमने जाना कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली वो एक प्रैक्टिस है या वो एक तरीका है जिसकी मदद से हम नेटवर्क को और उससे कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको हम एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके फायदे क्या हैं कि इससे हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहती है, सेफ रहती है, यूजर को प्राइवेसी मिलती है। प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें बेसिकली हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी आता है कि हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल है। इंटीग्रिटी मतलब उस डेटा को कोई ऐसा आदमी ने चेंजेस नहीं किए हैं जिसको उसमें चेंजेस करने का कोई भी राइट नहीं होता है। सिक्योरिटी थ्रेट्स में अनवांटेड एक्सेस या अनऑथराइज्ड एक्सेस, इंफॉर्मेशन को कोई भी वो आदमी एक्सेस नहीं करना चाहिए जिसको उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का राइट नहीं है। गाइडलाइंस फॉर मिटिगेशन ऑफ थ्रेट्स, हमें जो भी खतरा है उनको कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कि जो भी एम्प्लॉय नेटवर्क को देख रहे हैं उनकी बारी बारी पर ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे उनको लेटेस्ट में क्या टेक्नोलॉजी है वो उनके बारे में पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, सिक्योरिटी को क्या क्या खतरा हो सकता है, कहाँ कहाँ पर फ्लोज हो सकते हैं, हमने उनके बारे में जाना है। पीपीटी या इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने भारत स्किल्स की साइट पे जाके कोपा ट्रेड के पीडीएफ फाइल को डाउनलोड किया और वहां से कंटेंट को कलेक्ट करके मैंने इस वीडियो को बनाया है। आज मैंने साइबर सुरक्षा पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है, आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।